पता नहीं क्या। हेलो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको लेके चलती हूँ जेड स्क्वायर, जहाँ मैं हम लोग घूमने आए हैं। तो मम्मी आई हैं, मामी आई हैं और भाभी आई हैं। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ मैं, और थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, और हम लोग आए थे तो कुछ दिन, मतलब 8-10 दिन ही हम लोगों को थोड़ी नॉर्मल लगी, बट उसके बाद से गर्मी इतना स्टार्ट हो गया। और हम लोग को भी लग रहा है, पिछली बार भी हम लोग आए थे तो इतनी गर्मी, मतलब अप्रैल लास्ट में शुरू हुआ था, इस बार तो मतलब अप्रैल फर्स्ट वीक्स क्या, मतलब लास्ट मार्च से स्टार्ट हो गया। तो इस बार सभी लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। और ये जो जेड स्क्वायर मॉल है, तो इसकी जो मतलब डेकोरेशन जो होता है इसके अंदर, वो काफ़ी खूबसूरत होता है। और इसमें जब भी आओ आप, मतलब हर समय कुछ ना कुछ चेंजमेंट होता रहता है, चेंज रहता है। और आपको मैं दिखाऊंगी ऊपर से, तब आपको समझ में आएगा। और मतलब बहुत सुंदर सा सजा के रखते हैं इसको। तो आई थिंक ये कानपुर का सबसे बड़ा मॉल है। तो और यहाँ पे इसलिए आज हम लोग आए हैं कि मतलब मम्मी थी और मामी थी, तो मैंने सोचा और रिसु ने, हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो मम्मी को आज थोड़ा बाहर लेके चलते हैं, अच्छा लगेगा उनको, और बाहर कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। तो ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स लोग भी चाह, उन लोग को भी समय चाहिए होता है थोड़ा सा। अच्छा, मेरी मम्मी को तो घूमना पसंद है, मेरे पापा थोड़ा लेजी हैं तो मम्मी घूम नहीं पाती उनके, मतलब पापा के चक्कर में। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो मम्मी को आज ले कर चलते हैं। मम्मी का मन नहीं था आने का, बट फिर मम्मी ने जब सुना कि चलो मॉल घुमाने ले चलते, तो मम्मी रेडी हो गई और उनको लेके आए। तो होता है ना कि आप बड़े हो जाते हो तो आपका, मतलब आपका फ़र्ज होता है कि माँ बाप को आप घुमाओ फिराओ, उनको वो चीज़ें, मतलब जो माँ बाप बचपन में आप लोगों के लिए करते हैं, मतलब आपकी खुशी के लिए, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी अपने मम्मी पापा को, जब आप कभी मतलब बड़े हो जाते हो, तो उनको भी खुशियाँ देने की कोशिश करो। तो बस उनके लिए इतना ही काफ़ी है, उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो यही बस थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और बस तो हम लोगों ने सोचा चलो मम्मी को लेके चलते हैं बाहर, अच्छा लगेगा। और घर में रह के बोर हो जाती, वैसे भी वो अकेले रहती हैं तो बोरिंग लगता है। तो थोड़ा जब मतलब एक महीने के लिए गए थे तो सोचे कि चलो इसी में जहाँ जहाँ घूम लेते हैं, उनको भी अच्छा लगेगा। तो वही है, तो कुछ कुछ शॉपिंग करनी थी मम्मी को भी और मामी को लेना था कुछ कुछ। तो हम लोगों ने सोचा चलो मॉल चलते हैं, जो भी बन पड़ेगा ले लो। और जस्ट मॉल के सामने तो यहाँ पे मतलब ऐसा होता है कि आपको जो मॉल में अगर चीज़ें ज़्यादा वो ऐसी लगें, कॉस्टली लगें या ना मिलती हैं कुछ चीज़ें, तो आप इसके सामने, जस्ट सामने शिवाला मार्केट है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसा कि मैंने आपके साथ पहली वाला ब्लॉग शेयर किया था सीसामो मार्केट का, और वैसे ही शिवाला मार्केट है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं अच्छी अच्छी तो ये देखिए ऊपर से कितना खूबसूरत लग रहा है इस तरीके से। मतलब इसकी खूबसूरती ना, इस मॉल की, बस यही होता है, मतलब जो अट्रैक्शन होता है ना वो यही होता है। और बहुत सुंदर से सजा के रखते हैं ये लोग। तो इसमें जब जब मैं आती हूँ तब तब अलग अलग थीम रहता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आई थिंक इस पर ये लोग खर्च करते होंगे, तो अच्छा लगता है। और बस वही, मम्मी को कुछ लेना था तो मम्मी को मिला नहीं वो चीज़। और मम्मी लोग को ऐसे भी मॉल वॉल का ज़्यादा पसंद नहीं आता, क्योंकि वो महंगा तो होता ही है, कॉस्टली होता है। तो थोड़ा मोड़ा कुछ कुछ सामान लिया उन्होंने, और अभी देखना है। तो एक स्टोर है 99 करके, वहाँ पे जाएंगे। और ये देखिए, शिवांशी को लेके आई थी मैं, और यशी एक्चुअली में मेरी मौसी आई थी, तो उनको छोड़ने के लिए गाड़ी से सब लोग गए, तो वो भी चली गई साथ में कि मैं घूम के आती हूँ उनके यहाँ। तो उसको नहीं मालूम था कि हम लोग जाएंगे मॉल, उसको लगा हम लोग मजाक कर रहे हैं। तो वो वहाँ रेडी हो गई जाने के लिए, तो वो वहाँ चली गई और मामा गए उसके साथ में, और हम लोग यहाँ आ गए। अभी वो घर आ गई होगी शायद, तो अभी वो रोएगी तो मैंने बोला था कि दो ऑप्शन है, तुमको मेरे साथ चलना है तो चलो, वहाँ जाना है तो।
लेकिन उसने उसको मतलब वो वाला ऑप्शन चूज़ किया कि मैं नानी के साथ जाऊंगी। तो ये देखिए और कितना खूबसूरत है। तो ये है किड्स प्ले जोन करके, तो मामी को सब मैं दिखा रही हूँ, मम्मी को और मामी को। तो यही है, और अभी आगे देखते हैं कुछ। मुझे एक्चुअली मैं किचन का कुछ कुछ सामान लेना था, तो देखते हैं अगर बजट में आ जाता है, यहाँ पे मिल जाता है तो मैं ले लूँगी। बाकी कपड़े वगैरह तो सब वहाँ पे भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, बट वही है मेरा मेन होता है क्योंकि मैं ज़्यादातर रेसिपी वगैरह आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे चाहिए होता है कुछ अच्छे अच्छे से बर्तन वगैरह। तो ये है देखिए, इसमें लिखा हुआ आई लव कानपुर, तो ये 99 करके स्टोर है, तो इसमें देखते हैं कौन सी चीज़ मुझे ठीक ठाक मिल जाती है, तो मैं वो ले लूँगी। तो इसमें ये देखिए, और मतलब इसमें काफ़ी सारा अच्छा अच्छा सामान है इसके अंदर। मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो ये देखिए, और मैंने यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ली, बट यही था कि सामान ले जाने का एक लिमिटेड क्वांटिटी रहता है, तो इस वजह से मैंने लिया नहीं। मन तो कर रहा था सब कुछ ले लूँ, कप्स वगैरह इतने सुंदर सुंदर कप्स थे, तो कप तो थोड़े महंगे लग रहे थे, बट बाकी का सामान मुझे ठीक लगा। तो ये चॉपिंग बोर्ड देख रही थी वो मम्मी के लिए, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें पसंद आई तो मैंने ले लिए, और बाद में मैं दिखाऊंगी। दिखाऊंगी क्या, जब मैं रेसिपी शेयर करूंगी तो मैं बताऊंगी आपको। और जो मेरे काम की चीज़ थी वो मैंने ले ली, और बाकी का आगे देखते हैं कुछ अच्छा लगेगा तो। कप्स तो सच्ची बता रही हूँ, कप इतने अच्छे सुंदर सुंदर देख रहे होगे आप, कप बहुत सुंदर थे, बस बट हाँ थोड़ा सा कॉस्टली थे, बट क्वालिटी अच्छी थी उसकी, इसलिए तो और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। मतलब आपका खुद का यहाँ पे घर होता, मतलब मेरा खुद का घर होता तो मैं सब ले लेती सब चीज़, बट वही है कि लेके जा नहीं सकती इतना सामान, ऑलरेडी इतना सामान हो जाता है आपका, बच्चों के कपड़े, खुद के कपड़े और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो मुश्किल हो जाता है, वरना तो मैं ले लेती, ठीक ठाक प्राइस पे था। और मेरा मेन होता है किचन का सामान, मतलब मुझे अच्छा लगता है डिज़ाइनर चीज़ें रखने का, मतलब किचन में। तो ये देखिए कंटेनर बहुत प्यारे प्यारे थे, ये देखिए प्यारे से कंटेनर। और यहाँ पे ऐसा सामान था ना कि आप अपने किचन को अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से सजा सकते हो, ऐसी चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे अच्छी। तो वही देख रहे हैं हम लोग, और शिवांशी का अलग चल रहा है बदमाशी, उसको तो कहीं पे भी आओ तो बैठती नहीं, इधर उधर भाग रही थी, तो आप लोग थोड़ा सा उसको पकड़ के रखे थे, क्योंकि थोड़ा सा ग्लास का सामान और ये सब चीज़ें थी ना, तो पता लगा कि अगर गिर जाए टूट जाए तो अलग से देना पड़ जाए, तो वही है। और तो गाइस चलिए आप इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और देखिए, और बाकी का मैं बाद में थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे, और तब तक आप ये वाला जो ब्लॉग है एंजॉय कीजिए।
वहाँ पे पूरा मॉल घूमने के बाद में हम लोगों को लग गई भूख, और मेन था कि मम्मी को कुछ खिलाते बाहर का। तो मम्मी को हमने पूछा क्या खाओगे, तो उन्होंने बोला कि छोले भटूरे खाएंगे। हम लोग का प्लान था पिज्ज़ा का, तो मम्मी को पसंद नहीं है पिज्ज़ा। तो फिर मैंने बोला कि चलो मम्मी के लिए छोले भटूरे रिसु ने कहा ऑर्डर कर देते हैं, और हम लोग खुद के लिए पिज्ज़ा। फिर मैंने कहा कि क्यों पिज्ज़ा करना, मामी ने बोला वो भी नहीं खाएंगी पिज्ज़ा। तो फिर दोनों लोग के लिए छोले भटूरे, और हम लोगों ने बर्गर किया, और शिवांशी के लिए फ्राइज किया था। तो वही है, और ये छोले लेके आए। तो छोले, ये छोले भटूरे बहुत अच्छे थे, ज़्यादा ऑयली नहीं था भटूरा, बहुत टेस्टी था। तो स्टोर का नाम मैं भूल गई, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, उसको पता था रिसु को कि इसका छोले बहुत अच्छा बनता है, छोले भटूरे। तो हम लोगों ने वही ऑर्डर किया, और हम लोग खा रहे हैं बर्गर, शिवांशी खा रही है फ्राइज, और मम्मी और मामी खा रही हैं छोले भटूरे। तो देखा आपने कितना खूबसूरत है ये मॉल। मतलब बहुत जगह का मैंने देखा, बट ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, और काफ़ी बड़ा मॉल है। तो कानपुर के हिसाब से, मतलब कानपुर का सबसे बड़ा मॉल है ये, और काफ़ी अच्छा सजाते हैं ये, हर साल ऐसे ही रहता है। मतलब बाकी जगह आप देखो तो कुछ, जैसे कोई ओकेज़न आता है, जैसे दिवाली है, होली, मतलब क्रिसमस हो गया या न्यू ईयर, तब ही सजाते हैं। ये हर साल आपको ऐसा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ अलग अलग बदल बदल के वो लोग करते रहते हैं। तो अभी घूम घाम के सारा मॉल जा रहे हैं शिवाला मार्केट। तो वो चूड़ियों से पेट नहीं भरता हम लोगों का, मतलब हर साड़ी का सेट चाहिए होता है, और कुछ मतलब अच्छा लग जाए तो ले लो। तो मम्मी को कुछ लेना था, तो मम्मी को भी लेना था, उस दिन हम लोग के साथ गई थी नहीं, मार्केट गई नहीं थी, तो फिर मम्मी भी लेना था, मम्मी को भी चूड़ी वगैरह। तो सामने मार्केट है शिवाला, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ और बाकी सजावट का सामान मिलता है। तो वही लेने के लिए अब हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ, मतलब हो गया मॉल का घूमना फिरना, अब निकल रहे हैं। तो और फ़ोन आया था यशी का, तो यशी आ चुकी थी, और यशी ले मतलब हम लोग थे नहीं, तो बोर हो रही थी, रो रही थी। फिर नाना को लेके गई, और पिज्ज़ा वगैरह खाने गई है वो भी। तो उसने बोला कि मैं नाना के साथ जा रही हूँ बाहर। तो नाना भी शौकीन है खाने के, तो नाना भी इसी बहाने खा लेते हैं। तो नाना लेके गए उसको बाहर, और ये होली का समय था, तो ये देखिए। और अभी जा रहे हैं हम लोग बाहर की तरफ, निकल रहे हैं, निकल चुके हैं। तो शिवांशी को फिर से अंदर जाना था एक्चुअली में, तो ये परेशान करती है बहुत ज़्यादा, अगर साथ में लेके आओ तो मानती नहीं है अपने मन का। और ये केचप की 2 पाउच लेके घूम रही है वो, जो बच गया था। तो चलिए फिर मैं शिवाला भी लेके चलती हूँ आपको, और थोड़ा मोड़ा अगर सूट करूँगी तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। आ गए हैं शिवाला मार्केट। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको जो नेकलेस वगैरह होते हैं पूरा सेट, और ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं यहाँ पे। तो ये और बच्चों के हेयर क्लिप्स, हेयर वो क्या कहते हैं, रिबन वगैरह, तो ये सब अच्छी अच्छी मिलती हैं यहाँ पे। तो कुछ मैंने लिया था और शिवांशी और यसी के लिए। तो यहाँ पे क्लिप्स ले रही हूँ मैं उसके लिए, और क्योंकि अगर कुछ लेके नहीं जाऊँगी तो और हल्ला काट देगी वो, तो कुछ ना कुछ तो बनता है उसको ले जाना, ताकि वो थोड़ा शांत रहे, वरना गलती उसकी है बट वो रोएगी। तो वही है, और ये देखिए मार्केट है। तो मैं पूरा नहीं घूमी, थोड़ा ही घूमा, क्योंकि चलना मतलब काफ़ी चलना हो गया था, मॉल बहुत बड़ा है पूरा, मॉल घूम घूम के पैर दर्द हो रहे थे। तो बस थोड़ा मोड़ा कुछ जो मेन चीज़ लेना था वो लेके, और फिर हम लोग जाएंगे घर वापस। तो वही मैं देख, वही मामी और मम्मी ले रही थी, चूड़ी वगैरह लिया, और बस अब घर निकलेंगे, क्योंकि शाम हो रही है धीरे धीरे, और खाना भी जाके बनाना है सबके लिए। तो ये देखिए, और चूड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं यहाँ पर। एक्चुअली मैं सब आती हैं फिरोजाबाद से, मतलब जहाँ पर बनती हैं चूड़ियाँ वहाँ से,
तो आपको बहुत अच्छी अच्छी मिलेंगी, बट कितना लेगा इंसान चूड़ी तो देखने में तो सारी अच्छी लगती है। आइसक्रीम हम लोगों ने लिया था खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी गर्मी थी और मतलब मन हो रहा था ठंडा खाने का। तो ऑलमोस्ट शॉपिंग पूरी कंप्लीट हो गई है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, मतलब निकलेंगे घर घर को। तो चलिए गाइज, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद है कि आपको ये वाला ब्लॉग जरूर पसंद आएगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे।